Hey guys, Assalamu alaikum, Sat Sri Akaal Adab, and welcome back to our channel. This is Eliza, and this is Misbah, and this is Ajmal. So guys, I hope आप सारे जितने भी बढ़िया के ठीक ठाक हो गए हमेशा खुश रहो और बात है मेरे करे आज जो इसका रिजेक्शन वीडियो है एक मूवी के ट्रेलर ते है जिसका नाम है द कश्मीरी फाइल. देखने ट्रेलर किधर था साड़ा की रिएक्शन होगा. So वीडियो स्टार्ट करने तो पहले सर रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना ये बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि सर यहाँ वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप ना टाइम टू टाइम मिलता रहे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो. 18, 19, 20, 21, 22 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली. जी कितने लोगों को मारा होगा? 20, 25 अगर वो आप मार देते और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते. मार देते उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे. मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस. नो एक्सोडस नहीं. देखो कौन आएगा. कृष्णा रात तक कश्मीर छोड़ के जाने को कहा. हमारे लोग मर रहे हैं सर. कश्मीर चल रहा है खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा है. पंडितों को किसी ने नहीं भगाया. वो खुद भागी और मैं से मिल गई जहाँ शिव सरस्वती श्री कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था. जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था. तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. श्री कश्मीर देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है. पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिक्स का बस एक ही अंग विनाश. मौत. मौत के डर से मैं भी कायर बन गया. तुम मुझ पर फटा था तुम पर नहीं. पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना. पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया. आजादी इज अ सॉन्ग ऑफ टेररिज्म. इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर. सेक्युलर जनगण मन ऑफ इंडिया. कि मासूम लड़कों को गाड़ी से बाहर निकालकर कसीटा जाएगा उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर. कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई पत्थर नहीं उठाई. And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े. This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? Is this justice? कश्मीरी फाइल मूवी का जो ट्रेलर देखा और जो सब की एक्टिंग है बहुत ज्यादा कमाल की है और बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी. और दूसरा है कि यह जो मूवी है एक रियलिटी बेस्ड मूवी है. मतलब जो कुछ होया उन्हें रिलेटेड मूवी है कि जिस तरह कश्मीरी पंडितों जो के मतलब जो भी मामला हुए सब नु ही पता है उदो की होया सी वो सब चीज नु मूवी के जरिए साडे नाल शेयर किया गया. और मैनू पर्सनली बहुत ज्यादा वेट है कि एक्चुअल विच उदो होया की सी क्योंकि सानू जो है इतनी इनफॉरमेशन नहीं है कि उदो होया की सी और वजूहात की संगो हिंदू पंडितों नु जो है मतलब कतल किया गया वो मैटर का सानू नहीं सी पता. जो असीं मूवी देखांगे तो फिर ही सानू सच्चाई का पता चलेगा कि एक्चुअल विच सच्चाई की है और हकीकत की है. उस तो पहले असीं कोई भी मतलब कमेंट नहीं कर सकते और ना ही सानू करना चाहिए क्योंकि सानू
हिस्ट्री का पता नहीं है, इसलिए अस नहीं चाहते कि साड़ी वजह तो किसी की दिल आजारी हो, किसी नूं तकलीफ हो और किसी नूं नुकसान पहुंचे। अगर असीं कश्मीर की गल करिए तो सब नूं ही पता है कि इस टाइम भी कश्मीर दे विच की हालात ने, की कुछ हो रहा है और कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। जबकि कश्मीरियों नूं अगर पूछा जाए तो यही कहते हैं कि सानूं आजादी चाहिए है, असीं जो है वो अपना अलग होना चाहते हैं, ना असीं पाकिस्तान नाल रहना चाहते हैं, ना असीं इंडिया नाल रहना चाहते हैं, साड़ी अपनी एक स्टेट होए, साड़ी अपनी हुकूमत होए, साड़ी अपनी एक पहचान होए, असीं किसी दे अंडर नहीं रहना चाहते। और बिल्कुल जी गुलामी जो है वह सब नूं ही पता है किड्डी वड्डी एक लानत है कि इंसान जो है गुलामी दे विच ना ते तरक्की कर सकता है और ना ही वो अपने कोई मामला जो ने वो सेट कर सकता है। वो गुलामी ऐसी तरह है कि उसकी मिसाल इस तरह है कि असीं मतलब लाइक किसी को जॉब करने हैं तो असीं 8-9-10 घंटे ही उसके गुलाम होंगे हैं कि वो जो कि सानूं करना पैंदा है, असीं अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बेशक वो गलत भी है तो असीं फिर भी उन्होंने फॉलो करने हैं जो साडा ओनर हुंदा है, जो साडा सीनियर हुंदा है, क्योंकि असीं उसके मजदूर हुंदे हैं, गुलाम लाइक एक गुलाम की तरह होंगे हैं। इसलिए गुलामी जो है वो इंसान नूं खत्म कर दिंदी है। सो मैं गुजारिश करना चाहना कि कश्मीरियों नूं जो है उन्हां दा हक दिता जाए, उन्हां नूं आजादी दिती जाए, उन्हां दे उत्ते छड्या जाए वो की करना चाहते ने, किदे नाल रहना चाहते, किदे नाल नहीं रहना चाहते। ज्यादा तो ज्यादा उन्हां नूं सपोर्ट किया जाए, उन्हां नूं समझा जाए वो की चाहते ने, और जो भी वो चाहते ने अगर ते वो राइट ते ने ते बिल्कुल उस तरह ही होना चाहिए, और अगर वो रोंग ने ते ऑफकोर्स उन्हां दा साथ नहीं देना चाहिए। बट आई सो थिंक मैनूं नहीं लगता कि ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੂਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।